जी इस इवेंट में यहाँ पे हमारे साथ एक बहुत फेमस होस्ट फरा मौजूद हैं। हम इनसे बात करते हैं कि यहाँ पे क्या पार्टिसिपेट करने आई हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अस्सलाम वालेकुम। आई एम नॉट जस्ट अ होस्ट, आई एम अ रेडियो एंड टीवी प्रेजेंटर एज़ वेल एंड आई वर्क विद अ लॉट ऑफ चैरिटीज। आई एम हियर टुडे पाकिस्तान अचीवमेंट अवार्ड्स में बिकॉज आई एम सपोर्टिंग पाकिस्तान अचीवमेंट अवार्ड्स, क्योंकि इसलिए कि मेरे ख्याल से तो इस तरह के अवार्ड्स होना बहुत ज़रूरी है टू शो के पाकिस्तानी पीपल आर वेरी टैलेंटेड। एंड इस रूम में आज कितने टैलेंटेड पाकिस्तानीज हैं इन वन रूम एंड इट्स अमेजिंग, यू नो, फ्रॉम बिजनेसमैन टू एंटरप्रेन्योर्स, यू नो, चेंजिंग द इकोनॉमी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन आई बिलीव। एंड व्हाई आल्सो आई एम हियर इज बिकॉज आई एम वेरी वेरी ऑनर्ड दैट आई एम एक्चुअली वोटेड एज द बेस्ट मीडिया पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर इन द टॉप थ्री नॉमिनेशंस। सो इंशाल्लाह देखते हैं कि वेदर आई विन और आई डोंट, बट वट एवर द आउटकम इज, मेरे ख्याल से ईच एंड एवरी पर्सन जो इस रूम में आज है वो विनर है मेरे ख्याल से। तो जी ये तो बहुत शुक्रिया, आपने अपनी कम्युनिटी के लिए बहुत अच्छे कमेंट्स दिए हैं। ये बताइए कि इससे पहले भी आपको कहीं पे ऐसा चांस मिला के मिला आपको या नॉमिनेट आप हुई हैं या ये फर्स्ट चांस है लाइफ में आपके लिए? ये मेरे लिए फर्स्ट नॉमिनेशन है फॉर एन अवार्ड एंड यू नो आई एम वेरी हम्बल्ड। और मैं कहती हूँ कि अल्लाह जब भी कुछ भी देता है मुझे ना, आई एक्सेप्ट इट हम्बली और अल्लाह ताला जो भी करता है अच्छा करता है। देखिए वो तो अल्लाह ताला सबके लिए ही अच्छा करे। और आप ये बताइए कि आप काफ़ी एक्साइटेड हैं इसके लिए? Yeah, I think like any other person, obviously हर इंसान जो है बहुत excited होता है कि हम nomination में हैं and obviously अगर you know when you win, I think it doesn't sink in for a while until later on. So alhamdulillah जो भी होगा I'm excited, yeah, definitely. And I just want to say actually congratulations to the you know Pakistan Achievement Awards. It's the sixth Achievement Awards and you know well done, keep it up. Inshallah when there's the 25th Pakistan Achievement Awards, that's going to be even a big big time to say 25 years that is carried on. Okay. Inshallah. Okay, thank you so much Farah, aapne itne acche comments diye aur good luck for you in the future as well. Thank you. Thanks so much. Thank you very much.